गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी क्या होती है द डिसल्यूशन ऑफ सॉल्यूश सॉल्यूट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट मे बी आइदर बाय अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट ठीक है या तो फिजिकली या केमिकली ज कॉल्ड सॉलिबिलिटी फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट कौन कौन से फैक्टर सॉलिबिलिटी को सोल्यूट की सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं सबसे पहले नेचर ऑफ द सल्यूट एंड सॉल्वेंट। द सॉलिबिलिटी इन जनरल इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल लाइक डिजोल्व लाइक फॉर एग्जाम्पल आइनिक और पोलर डिजॉल्व पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन ओनली पोलर सॉलवेंट ठीक है तो सॉलिबिलिटी कहते हैं किसको फेवर करती है लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब जिनकी प्रॉपर्टी आपस में मिलती होंगी वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में डिजोल्व होंगे नेक्स्ट है कंसन्ट्रेशन ऑफ सोल्यू सोल्यूट वेन द सॉल्यूट इज एडेड इनिशियली टू द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इट्स अ सॉलिबिलिटी इज मैक्सिमम स्टार्टिंग में कहते हैं सॉलिबिलिटी मैक्सिमम होती है जैसे जैसे आप कंसनट्रेशन इंक्रीज करते जाओगे सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जा, होती जाएगी <coughs> नेक्स्ट टेम्परेचर विद राइज इन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड इंक्रीजेज जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सॉलिबिलिटी क्या होगी इंक्रीज होगी एजिटेशन और स्टीरिंग एजिटेशन और स्टियरिंग होता है स्टिर करना घोलना द इंक्री दिस इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड एजिटेशन और स्टीरिंग भी क्या करती है सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करती है नेक्स्ट एब्जॉपन कॉफिशेंट इट मे बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ गैस reduced to stp standard temperature pressure which dissolve per unit volume of the solvent it's at the experimental temperature and under pressure of a 1 bar is called adsorption एब्सॉर्शन कॉफिशियंट इसको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं आप सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्वियस है प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ही गैस किस में डिजॉल्व होगी लिक्विड में डिजॉल्व होगी ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर हैनरीज लॉ क्या कहता है द गिवन मास ऑफ ए गैस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द गिवन मास ऑफ ए गैस डिजोल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर

And soda water, the water are normally sealed with high pressure. Oxygen to be used by the deep sea divers are generally diluted with the helium. ठीक है सॉलिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में हम क्या करते हैं नॉर्मली सील्ड विद हाई प्रेशर ऑक्सीजन इज यूज बाई डीप सी डाइवर्स इज डायल्यूटेड विद हीलियम हीलियम से क्यों डायल्यूट की जाती है क्योंकि बेटा जो जनरली हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसमें नाइट्रोजन होती है जो नाइट्रोजन गैस है वो हैवी होती है और ज़्यादा प्रेशर एक्जर्ट करती है और जो हीलियम है वो हल्की होती है वो कम प्रेशर एग्जर्ट करती है अगर हम सी डाइवर्स नाइट्रोजन वाली ऑक्सीजन लेके जाएंगे तो जो आ, पानी है उसमें जो प्रेशर होता है वो कम होता है और इंटरनल प्रेशर बॉडी के अंदर जो प्रेशर हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा जैसे ही फिर जो गोताखोर खोरा बाहर आएंगे उनके जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाएगा क्यों क्योंकि बाहर प्रेशर कम था अंदर प्रेशर ज़्यादा है बॉडी के अंदर तो इक्ोलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा जिसकी वजह से अंदर क्या हो जाएगा जॉइंट्स में पेन होनी शुरू हो जाएगी अगर हम हीलियम के साथ मिक्स करते हैं तो वो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर को क्या कर देता है इक्ोलिब्रियम मेंटेन कर देता है नेक्स्ट है एज अ पार्शियल pressure of oxygen in air increases in lungs it's combined with hemoglobin to form carboxyhemoglobin ठीक है ऑक्सीजन इन एयर इंक्रीज जब पार्शियल प्रेशर कहते हैं ऑक्सीजन जो होती है एयर में उसका इंक्रीज हो जाता है इन लंग्स इट कम्बाइन विध हीमोग्लोबिन इसीलिए ये लंग्स में कंबाइन होकर क्या बना देती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नेक्स्ट है बेपर प्रेशर द प्रेशर एक्जर्टेड बाई बेपर ऑफ अ लिक्विड इन इक्वलिब्रियम जो प्रेशर बेपर एग्जर्ट करते हैं इक्लिब्रियम में विद वाटर एंड विद लिक्विड एट इट्स गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बेपर प्रेशर को सबसे पहले है नेचर ऑफ द लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड लिंक्स विद द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर फोर्सेस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल व्हेन दोज फोर्सेस आर वीक द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड रेडीली चेंजेस इनटू वेपर जब कहते हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी तो जो लिक्विड है फटाफट से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर लगेगा नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ़ द लिक्विड विद द राइज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इनक्रीजेज जैसे जैसे टेम्परेचर होगा वैसे वैसे लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है इंक्रीज नेक्स्ट है क्लासेस क्लिप्रॉन इक्वेशन इसको आपने एज इट इज याद करना है लॉग पी टू ओवर पी वन डेल्टा वेपर एच ऑफ वेपराइजेशन है ये पी टू पी वन पार्शियलेशर टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री कोई गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू है के की वैल्यू आर है टी टू माइनस टी वन टी टू टी वन टी टू पी वन पी टू आर द वेपर प्रेशर एंड टी वन टी टू आर द टेम्परेचर डेल्टा एच इज द एंथेलपी ऑफ बेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड नेक्स्ट है बेटा लॉ फॉर ए स्टेट सॉल्यूट सॉरी इट मे बी डिफाइंड एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट मे बी डिफाइंड एज द पार्शियलेशलोटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन अट ए गिवन टेम्परेचर ठीक है तो एक्से अगर कहते मान लो हमने क्या मान लिया तो पी ए इज डायरेक्टली परपोर्शनल टू एक्ज इक्ट टू के एक्स एस को वन मान लिया इफ एक्स एज इक्व टू वन दिस मीन्स दैट द सोल्यूशन हैज़ ओनली वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट अदर देन अदर इज एबसेंट ऑब्वियस अगर एक्स ए वन हो जाएगा तो मतलब सोल्यूशन में एक ही कम्पोनेंट प्रेजेंट है के इज इक्वल टू द बेपर प्रेशर ऑफ द प्यर सॉलवेंट तो के किसके इक्वल आ जाएगा अगर हमने पी एक्स ए को क्या मान लिया वन मान लिया तो के किसके इक्वल आ जाएगा पी ए के पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए तो के किसके इक्वल आ जाएगा पी नॉट ए के तो इसको वन में पुट कर दो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए तो पी ए किसके इक्वल आ गया पी नॉट ए एक से तो ये था रॉय्स लॉ और वॉलेटाइल सल्यूट आज के लिए बेटा इतना ही इसको ढंग से पढ़ो और अपनी कॉपी पे नोट करो